कक्षा 11वीं के गणित सब्जेक्ट के प्रश्नावली 1.1 के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 को हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों का समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो कुछ प्रश्न दिए हैं ना, इसको हमें समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो और सीखो कैसे इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है, 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 6, 9 और 12। तो 3, 6, 9 और 12 ये कितने के गुणज है, ध्यान देना 3 के गुणज है। क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी 3 के पाड़े में आता है, मतलब 3 × 3, 3 × 2, 6, 3 × 9, 3 × 12। तो ये क्या हो गया, 3 का गुणज हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 का गुणज इसलिए यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 के साथ हमने n क्यों किया है, हमने n क्यों लिया है, तो इसको अब आप समझो n क्यों लिए हैं। तो n का मान अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, स्वाभाविक समझते जाना आप लोग, n का मान 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बार हम n का मान 2 रखते हैं तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा। देखो सेटिस्फाई कर रहा है इसे। इसके बाद n का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। n का मान अगर मैं 4 रखता हूँ तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो देखो 3, 6, 9 और 12 आ गया, मतलब 3 के बाद जो हमने 3 के साथ n लिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बिल्कुल कर रहा है। तो ये हो गया 3n। अब यहाँ पे लिखना है आपको जहाँ, ठीक है, यहाँ पे जो n का मान है ना 1 है, उसको 1 को यहाँ पे लिखना है, फिर लेस देन इक्वल n लिखना है। क्यों, क्योंकि ये n से है ना, और यहाँ पे फिर लेस देन इक्वल 4 लिखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 और 4 एक से शुरू होके अंतिम 4 तक के गया, ये बता रहा है, ठीक है। तो n का मान हमने क्या क्या रखा, n का मान 1 से शुरू होके 4 तक ही हमने रखा है, इसलिए इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। तो 3n जहां 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4, समझ में आ गया। इसके बाद इसके आगे में आपको जोड़ लेना है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ गया, समझ में आया पहला प्रश्न। चलो ये समझ में नहीं आया होगा तो दूसरे से समझ जाना। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और ये रहा 32। इसको अब हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, 2, 4 इसके बाद 8, 16 और यहाँ पे क्या है, 32 दिया हुआ है। तो ये सभी के सभी 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 2 के पहाड़े में 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 आना था, लेकिन यहाँ पे 8 है। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि 2 के ऊपर में घात कुछ ना कुछ लगा होगा तभी ये आएगा। तो 2 के ऊपर हम क्या लगेंगे, घात लगा है मतलब n ले देते हैं, ठीक। हमें तो पता नहीं कि कितना घात है, तो हम क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो 2 का घात यहाँ पे n आ गया। अब इसको देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है 2 का घात n, तो चेक कर लेते हैं। तो 2 का घात अगर हम 1 रखते हैं तो कितना होगा, 2 का घात अगर n का मान यहाँ पे समझो n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो 2 का घात 1 हो गया। तो इसका मतलब है 2 एक ही बार रहेगा, तो बराबर इसका मान कितना आएगा, 2 का 2 आएगा, ये प्राप्त हो गया। दूसरा देखते हैं, n का मान अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 का घात 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का घात 2, मतलब 2 2 बार गुणा हो जाएगा। इसका मतलब तो कितना हो गया, 4 हो गया, ये भी आ गया 4। इसके बाद देखो आगे, फिर n का मान हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे 3 रख लेते हैं, तो ये हो गया 2 का घात 3 = 2 × 2 × 2 = कितना होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये भी आ गया 8। फिर इसी तरह से n का मान 4 रखेंगे, फिर इसी तरह से n का मान 5 रखेंगे। तो देखो 5 तक के जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है आपको। तो आपको इसी तरह से रखते जाना है, 2 का घात 4, ये 2 का घात यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 का 4 बार गुणा करना है आपको तो कितना प्राप्त हो गया, 16, और 2 का 5 बार अगर गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 32 प्राप्त हो गया। तो देखो ये पूरा सेटिस्फाई कर दिया इसको प्रश्न को। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जहाँ लिखना है, जहाँ के बाद यहाँ पे क्या है, देखो n का मान क्या है, 1 है, हमने यहाँ पे 1 रखा, फिर लेस देन इक्वल क्या रखेंगे, n लेंगे, फिर लेस देन इक्वल कहाँ तक गया, 5 तक, तो ये 5 आ गया। आगे में क्या लिखना है, x अनुपात x आपको लिखना है, इस तरह से करना है और ये रहा इसका आंसर, समझ में आ गया। ये भी प्रश्न है, दूसरा भी आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में देखो 5 दिया है, 25 दिया है, 125 दिया है
और यहाँ पे दिया है 625 दिया है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो ये भी 5 के पहाड़े में जा रहा है, देखो 5 है, 25 है, 125 है, 625, तो 5 से ये पूरा डिवाइड हो सकता है, मतलब 5 से भाग जा सकता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 5 को लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 × 5 = 25, फिर ये भी आगे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर में भी कुछ ना कुछ तो घात होगा, ठीक है, क्या होगा, घात होगा तभी हल होगा। ये कोई 5 के पहाड़े में डिवाइड बस हो रहा है, लेकिन 5 का पहाड़ा नहीं है ये, तो क्या होगा, इसके ऊपर कोई घात रहेगा, तो घात क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाएंगे। अब इसको भी देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो 5 यहाँ पे लिखो, एन बराबर अगर 1 रखते हैं तो 5 का घात अगर 1 होगा तो ये क्या होगा, 5 बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर एन का घात 2 रखेंगे तो 5 का घात 2 बराबर 5 × 5 बराबर 25, देखो 25 भी आ गया। फिर एन बराबर अगर 3 रखेंगे तो ये हो गया 5 का घात 3, सॉरी ये 5 है ना, 5 × 5 × 5 तो कितना हो गया 125, देखो 125 भी आ गया। अगर n का घात अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 625, तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जहाँ जहाँ एक n का मान हमने 1 लिया, लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल कितने तक गया, 4 तक के, तो ये हो गया 4। अब यहाँ पे x अनुपात x लगा देना है और ये रहा इसका आंसर, ठीक, ये भी बन गया। तो हम समुच्चय निर्माण बनाते जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है समुच्चय निर्माण, इस तरह से आपको समुच्चय निर्माण करना है। चलो आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न में 2 है, 4 है और 6 दिया हुआ है और आगे और कुछ नहीं, डॉट डॉट दिया है। इसको कैसे हल करोगे, तो देखो 2, 4, 6 दिया हुआ है, तो ये सभी के सभी क्या है, 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आ रहा है। और एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, ये सभी के सभी सम संख्या है, और क्या है, और क्या चीज पता चल रहा है आपको, कि ये सम संख्या के साथ सम संख्या सम पूर्णांक संख्या है, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, सम पूर्णांक संख्या लेना है। इसका आंसर में बस आपको इतना लिखना है कि यह सभी क्या है, सम पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स अनुपात एक्स, सॉरी पूर्णांक नहीं, प्राकृत, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो एक से शुरू होके आगे बढ़ते रहता है, 1 से 1, 2, 3, 4, लेकिन सम है, तो सम है मतलब 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी सम संख्या है वो सब इसमें आ जाएंगे, इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा, तो ये सम प्राकृतिक संख्या है, बस इतना ही आपको लेना है। या सम प्राकृतिक संख्या का यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लो, का गुणज है, ठीक है, गुणज है, ये लिखना है आपको इसमें, ठीक है, ये इसका आंसर है चौथा का। अब देख लेते हैं पांचवा प्रश्न, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न कैसे हल होगा, तो देखो पांचवा प्रश्न क्या, पहले देख लेते हैं, 1, 4 और यहाँ पे 9 दिया हुआ है और फिर यहाँ पे 100 दिया है, 100 तक के गया है, इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखो 1 है, 4 है, 9 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि 1 दिया है, 1 के बाद क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है, मतलब 4 जो है वर्ग बना सकता है, 9 भी वर्ग बना सकता है और 100 भी वर्ग बना सकता है, तो 1 भी क्या करेगा, वर्ग बना सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे n लेंगे, ठीक है, n लेंगे। अब ये सब वर्ग बना रहा है तो क्या करेंगे, इसका वर्ग लेंगे, ठीक है, तो n का वर्ग करेंगे तब ये हल हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आंसर को, तो देखो n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 का वर्ग मतलब 1 × 1 = 1। आगे यहाँ पे n का मान अगर हम 2 रखते हैं तो कितना होगा, 2 × 2, ठीक है, ऐसे ही होगा, n का मान अगर आप 2 रखते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम 2 बार गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 बराबर, एक सेकेंड यार, ऐसे कर सकते हैं इसको, अब ये हो जाएगा 2 × 2 बराबर कितना आ गया, 4 हो गया। इसके बाद देखो n का मान अगर हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9, देखो आते जा रहा है। अब हम अंतिम संख्या को देख लेते हैं, यहाँ पे 100 है, 100 है मतलब n का मान यहाँ पे 10 हो सकता है, तो 10 रख लेते हैं, तो ये हो गया 10 का वर्ग बराबर 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो देखो ये सारे मान यहाँ पे प्राप्त हो गया, मतलब n का वर्ग जो हमने लिया है वो हमने सही रखा है। अब यहाँ पे जहाँ करके लिखना है, अब 1 ये जो 1 है इसको ले लेते हैं, लेस देन n और लेस देन इक्वल, फिर यहाँ पे कहाँ तक गया, 10 तक की, तो ये हो गया 10 तक की। अब ये x अनुपात x से इस तरह से आपको लिखना है और ये रहा इसका आंसर, समझ में आ गया। तो इस तरह से प्रश्नों को बनाया जाता है,
कौन से प्रश्नों को, समुच्चय निर्माण को। इसके बाद आगे जो प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।